अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 वर्ल्ड क्लाइमेट। आज डे है वेनसडे और डेट है 23rd September 2020। आज हम रीडिंग करेंगे पेज नंबर 8 and 9 की। द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान लाइज जस्ट टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर। The country covers a large stretch of land and the climate in one place is quite different from that in another. The hottest month is usually June. The average temperature and the total annual rainfall for a few cities are given below. पाकिस्तान में जो होता है वो नॉर्थ का ट्रॉपिक कैंसर है, इसमें लाइज करता है। इसमें जुलाई जून में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसका टेम्परेचर क्वाइट डिफरेंट होता है दूसरी प्लेस से। जो एवरेज टेम्परेचर है, जो टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल है कुछ कंट्रीज़ की, वो गिवन टेबल पे दी गई है। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है जैकबाबाद, इसमें जो एवरेज टेम्परेचर है वो जनवरी में 15.1 सेंटीग्रेड है और जून में 36.9 है, और जो एनुअल रेनफॉल है वो 110.4 मिलीमीटर है। देन क्वेटा, इसमें जो टेम्परेचर जनवरी में है वो -2 है और जून में जो एवरेज टेम्परेचर है 25.6 है, और इसमें जो एनुअल रेनफॉल है वो 260.8 मिलीमीटर है। मुल्तान में जो एवरेज टेम्परेचर है जनवरी का वो है 12.7 सेंटीग्रेड और जून में है 35.5 सेंटीग्रेड, एनुअल रेनफॉल है 186.8 मिलीमीटर। देन नोकोदई, इसमें जो जनवरी में टेम्परेचर है वो है 11.3 सेंटीग्रेड और जून में है 35.1। इसके अलावा जो एनुअल रेनफॉल है वो यहाँ पर 35.3 मिलीमीटर। कराची में जो टेम्परेचर है वो जनवरी में होता है 18.1 सेंटीग्रेड और जो जून में होता है वो 31.4 सेंटीग्रेड होता है। जो एनुअल रेनफॉल है वो है 217.3 मिलीमीटर। लाहौर में जो एवरेज टेम्परेचर है जनवरी में वो होता है 12.8 डिग्री सेंटीग्रेड और जून में जो होता है 33.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जैसे कि इस तरह जो एनुअल रेनफॉल है वो है 628.8 मिलीमीटर। पिशावर में जो एवरेज टेम्परेचर है जनवरी का वो है 11.2 सेंटीग्रेड और जो जून में है वो 33.1 है, एनुअल रेनफॉल है 403.9 मिलीमीटर। मरी में जो टेम्परेचर है वो जनवरी में 3.7 सेंटीग्रेड होता है एवरेज और जो जून में होता है वो 20.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तरह जो एनुअल रेनफॉल है वो है 1789.3 मिलीमीटर। द फिगर्स गिवन द टेबल ऑन पेज नंबर 8 आर एवरेज टेम्परेचर्स। सम प्लेसेज हैव वेरी सीवियर विंटर्स एंड टेम्परेचर कैन ड्रॉप वेरी लो। फॉर एग्जाम्पल द टेम्परेचर इन क्वेटा हैज़ बीन एज लो एज -16 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर इन द समर कैन आल्सो बी वेल अबव द एवरेज। जैकबाबाद वंस रिकॉर्डेड अ टेम्परेचर ऑफ 53 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मैनी वेदर स्टेशन हैव रिकॉर्डेड टेम्परेचर अबव 49 डिग्री सेंटीग्रेड। जो फिगर देगा पेज नंबर 8 के ऊपर जो अभी हमने डिस्कस किया है वो एक एवरेज टेम्परेचर है। टेम्परेचर इससे कम से ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे कि जो क्वेटा में है उसमें जो लो टेम्परेचर रहा है वो -16 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी गया है। इसी तरह ही समर्स में जो जैकबाबाद का टेम्परेचर था वो वहाँ पर एवरेज बताया गया है, बट जो टेम्परेचर है वो 53 डिग्री सेंटीग्रेड भी रिकॉर्ड किया गया है और बहुत सारे स्टेशन में 49 डिग्री सेंटीग्रेड भी रिकॉर्ड किया जा चुका है। टू गेट अ गुड पिक्चर ऑफ द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस वी आल्सो हैव टू स्टडी द अमाउंट ऑफ रेनफॉल द डायरेक्शन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ विंड्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर एंड द अदर फैक्टर। द क्लाइमेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी थिंग्स। हिल्स और माउंटेन्स कैन स्टॉप रेन फ्रॉम फॉलिंग इन सम प्लेस। स्ट्रॉन्ग विंड कैन ब्रिंग रेन क्लाउड्स टू सम एरियाज। हाई अप इन द माउंटेन इट इज़ वेरी कोल्ड, सो इवन अ प्लेस क्लोज टू द इक्वेटर कैन बी कोल्ड इफ इट इज़ इन द माउंटेन। हमें एक टेम्परेचर जो होता है क्लाइमेट को एक पिक्चर लेने के लिए हमें जो जो चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेंगी या जो समझनी पड़ेंगी पढ़नी पड़ेगी वो क्या है, वो अमाउंट ऑफ रेनफॉल वहाँ पे कितनी है, वहाँ की डायरेक्शन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है विंड की, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स क्या है, ये सारे फैक्टर्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। जो क्लाइमेट होता है वो बहुत सारी चीज़ों से इफेक्ट होता है, जैसे कि हिल्स और माउंटेन्स होती हैं वो स्टॉप करते हैं रेन को कुछ एरियाज में होने से। टू अंडरस्टैंड हाउ क्लाइमेट अफेक्ट पीपल लिव्स वी लुक एट सम ऑफ द क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड। दीज रीजन्स आर द डेजर्ट्स, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, टेम्परेचर फॉरेस्ट एंड द पोलर रीजन्स। हमें क्लाइमेट जो है वो इंसानियत के पे कैसे असर डालता है इसको जानने के लिए
हमें कुछ फैक्टर्स को पढ़ना पड़ेगा, कुछ फैक्टर्स को देखना पड़ेगा, वो कुछ रीजन्स में जाना पड़ेगा, जैसे कि डेजर्ट के है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, टेम्परे फॉरेस्ट है और पोलर रीजन्स है। हमारी रीडिंग यहाँ पे एंड होती है। अब हम करेंगे क्लास वर्क। डेट एंड डे मेंशन है, पेज नंबर मेंशन है, क्लास वर्क मेंशन है, सेम इस तरह अपने नोट को मेंशन करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। नोट द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड विच डिवाइड द वर्ल्ड इनटू क्लाइमेट रीजन। जो लैटिट्यूड्स को लाइन है उनको बताएं वो कौन कौन सी हैं जो कि क्लाइमेट रीजन को वर्ल्ड को क्लाइमेट रीजन में डिवाइड करती हैं। आंसर दीज लाइन्स आर, वो लाइन्स हैं आर्टिक सर्कल्स, सेकेंड वन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, थर्ड वन इक्वेटर एंड फोर्थ वन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड फिफ्थ वन एंटार्कटिक। ये पांच लाइन्स हैं जो कि वर्ल्ड को क्लाइमेट रीजन में डिवाइड करती हैं। ये आपका क्लास वर्क है, यही आपने क्लास में होमवर्क करना है। अब हम करेंगे डायरी। डायरी आपकी है लर्न प्लस राइट क्लास वर्क की। आज जो हमने क्लास वर्क किया इसको आप लर्न भी करेंगे और राइट भी करेंगे अपने नोटबुक्स के ऊपर। अल्लाह हाफिज़।